हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल फाइन एट योर होम्स. वेलकम टू ऑनलाइन इंग्लिश क्लास. दिस इज रशिमा, लेक्चरर इन इंग्लिश, प्रेजेंटली वर्किंग इन आरोही मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, रामगढ़ पांडवा, ब्लॉक कलायत, डिस्ट्रिक्ट कैथल, हरियाणा. डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डू अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर, दैट इज यूसेज ऑफ एडजेक्टिव्स इन सेंटेंसेस. सो हेयर वी गो. Dear students, in this video, you will learn about adjectives. Students, इस video में आप adjectives यानी विशेषण के बारे में सीखेंगे. You will learn about types of adjectives. आप लोग types of adjectives के बारे में भी जानेंगे. You will learn about degree of adjectives. Adjectives की 3 degrees होती हैं, उनके बारे में भी आप सीखेंगे. You will learn about usage of adjectives in sentences. And finally, adjectives को किस तरह से sentences में use किया जाता है, ये भी आप सीखेंगे. So let's begin. What is an adjective? विशेषण क्या होता है? An adjective is a word which describes a noun or a pronoun. Adjective एक ऐसा word होता है जो हमें नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, उसकी क्वालिटीज के बारे में हमें बताता है. इट टेल्स अस अबाउट कलर, साइज, अमाउंट, नंबर, बिहेवियर. एडजेक्टिव हमें नाउन या प्रोनाउन के कलर के बारे में, साइज के बारे में, अमाउंट यानी मात्रा के बारे में, नंबर के बारे में और बिहेवियर के बारे में भी बताता है. इट पॉइंट्स आउट, आस्क्स क्वेश्चन, शो पोजिशन. और वो इशारा करते हैं. पॉइंट्स आउट मीन्स डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स. आस्क क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछते हैं और पोजेशन के बारे में भी बताते हैं. नाउ टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव्स के कौन कौन से प्रकार होते हैं? फर्स्ट एडजेक्टिव इज एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, जो हमें नाउन की काइंड के बारे में, क्वालिटी के बारे में बताते हैं. नेक्स्ट इज एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी. एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी हमें नाउन की क्वांटिटी के बारे में बताते हैं कि नाउन की कितनी मात्रा है. देन एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर. एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर हमें नाउन्स के नंबर के बारे में बताते हैं. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स नाउन की तरफ संकेत करते हुए हमें बताते हैं. इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स. इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स यानी प्रश्नवाचक विशेषण हमें नाउन के क्वेश्चंस के बारे में बताते हैं. पोजेसिव एडजेक्टिव्स. पोजेसिव एडजेक्टिव्स पोजेशन के बारे में बताते हैं. एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, जिसे हम हिंदी में गुणवाचक विशेषण भी कहते हैं, जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी के बारे में बताते हैं. कुछ ऐसे ही वर्ड्स जो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी होते हैं वो हैं जैसे लॉन्ग, शॉर्ट, लंबा, छोटा, फैट, थिन, मोटा, पतला, गुड, बैड, अच्छा, बुरा, बिग, स्मॉल, बड़ा, छोटा, हाई, लो, ऊपर, नीचे, हॉट, कोल्ड, गरम, ठंडा, ओपन, क्लोज, खुला, बंद. तो ये कुछ इस तरह के वर्ड्स हैं जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, उनके बारे में, उनके गुण, उनके दोष के बारे में बताते हैं कि नाउन कैसा है. और इन्हें सेंटेंसेस में देखिए हम कैसे यूज़ कर सकते हैं. जैसे आप नीचे एक पिक्चर देख सकते हैं, फास्ट और स्लो की एक पिक्चर दिखाई गई है. दो बॉयज़ हैं, दोनों भाग रहे हैं. तो इसमें क्या है, पवन इज़ अ फास्ट बॉय बट अमन इज़ अ स्लो बॉय. पवन तेज़ लड़का है और अमन स्लो लड़का है. तो यहाँ पर फास्ट बॉय, आप देख रहे हैं बॉय एक नाउन है और उससे पहले लगा है फास्ट और स्लो. तो ये फास्ट और स्लो दोनों ही एडजेक्टिव्स हैं जो बॉय नाउन के बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं, क्वालिटी बता रहे हैं कि नाउन कैसा है, बॉय कैसा है, फास्ट है या स्लो है. तो इसी तरह से हम इन्हें सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं. कुछ और भी हमारे पास क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स हैं जो सेकंड बॉक्स में आपको देख सकते हो आप. इंटेलिजेंट, डल, ब्लैक, वाइट, स्क्वायर, ट्रायंगुलर, स्वीट, सोर, प्लेजेंट, लाउड, सनी, रेनी, ये भी कुछ एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटीज़ हैं. इसी तरह से
और भी बहुत सारे सबसे कॉमनली यूज होने वाले जो एडजेक्टिव्स हैं वो हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। यू कैन सी ब्यूटिफुल, हम अक्सर सेंटेंस यूज करते हैं शी इज अ ब्यूटिफुल गर्ल, तो ब्यूटिफुल वर्ड इज एन एडजेक्टिव। सबसे ज्यादा हम एडजेक्टिव्स को यूज करते हैं। इसी तरह से और वर्ड्स हैं ब्यूटिफुल, चार्मिंग, ब्रेव, फूलिश, थैंकफुल, फ्रेंडली, काइंड, नर्वस, लकी, कावर्ड, सिली, हेल्पफुल, जेलस। आप सभी आपको ये सारे वर्ड्स की हिंदी पता होनी चाहिए, इनके मीनिंग्स पता होने चाहिए, बिकॉज़ दे आर वेरी कॉमनली यूज्ड वर्ड्स, और आई होप आपको इनमें से काफ़ी वर्ड्स के मीनिंग्स ऑलरेडी पता होंगे। अदरवाइज व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू लुक देम अप इन अ डिक्शनरी। आपको डिक्शनरी में देखना है और इन वर्ड्स के आपको मीनिंग भी लिखने हैं। आप एक लिस्ट बना सकते हैं इन वर्ड्स की। एंड नाउ वी कम टू द पिक्चर। वॉट इज देयर इन द पिक्चर? द ग्रैंड मदर इज ओल्ड बट द बॉय इज यंग। यू कैन सी हेयर, अब यहाँ पर क्या लिखा है? दादी माँ बूढ़ी हैं लेकिन जो लड़का है वो यंग है। तो यहाँ पर ओल्ड और यंग एडजेक्टिव्स हैं जो ग्रैंड मदर और बॉय नाउन्स को डिस्क्राइब करते हैं। आई होप इट्स क्लियर टू यू। नाउ हियर कम्स द सेकेंड एडजेक्टिव, दैट इज एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी मीन्स परिमाणवाचक विशेषण, जो हमें चीज़ों के नाउन्स या प्रोनाउन्स की अमाउंट के बारे में, क्वांटिटी के बारे में, मात्रा के बारे में बताते हैं कि नाउन कितना है, कोई भी चीज़ कितनी है। सपोज लिटल, नो, सम, सफिशेंट, एनी, मच, फुल, प्लेंटी, एनफ, होल। अब ये सारे जो वर्ड्स हैं, लिटल यानी थोड़ा सा, मच काफ़ी ज़्यादा, नो बिल्कुल भी नहीं, फुल पूरा भरा हुआ, तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये हमें चीज़ों की मात्राओं के बारे में बताते हैं। आप देख सकते हैं नीचे एक पिक्चर दी गई है, अलग अलग तरह के अलग जग्स में अलग अलग मात्रा का, अलग अलग क्वांटिटी का पानी भरा हुआ है। तो अब ये अलग अलग क्वांटिटी के लिए क्या क्या वर्ड्स होते हैं ये इन सेंटेंसेस में भी लिखा गया है। लाइक इन फर्स्ट सेंटेंस, देयर इज मच वाटर इन द जग। अब मच यहाँ पर एक एडजेक्टिव है जो पानी की, वाटर की क्वांटिटी के बारे में हमें बता रहा है ये वर्ड। तो कहने का मतलब है कि मच मतलब बहुत ज़्यादा पानी है जग में। सेकेंड सेंटेंस आप देखिए, देयर इज लिटल वाटर इन द जग। अब कोई जग ऐसा भी है जिसमें बहुत थोड़ा सा पानी है, ऑलमोस्ट नन, मतलब ना के बराबर। आप नीचे वाली लाइन में सेकेंड जग अगर हम देखें तो वहाँ पर ना के बराबर पानी है, तो उसके लिए वर्ड है हमारा लिटल। देन इन द थर्ड सेंटेंस, देयर इज अ लिटल वाटर इन द जग। अब अ लिटल मीन्स लिटल से थोड़ा सा ज़्यादा, तो अगर हम थर्ड सेकेंड लाइन में थर्ड जग देखते हैं तो उतनी क्वांटिटी के लिए हमारे पास वर्ड है अ लिटल। लाइकवाइज फोर्थ सेंटेंस में आप देखिए, देयर इज नो वाटर इन द जग। अब अगर हम सेकेंड लाइन में फर्स्ट जग देखें उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, जीरो क्वांटिटी, तो जीरो क्वांटिटी के लिए हमारे पास वर्ड है नो। देन वी मूव ऑन टू द फिफ्थ सेंटेंस, देयर इज सम वाटर इन द जग। अब सम वाटर, सम भी हमारा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है जो बताता है कि ना पानी बहुत ज़्यादा है और ना ही बहुत कम है, तो होपफुली हम सेकेंड लाइन का जो लास्ट जग है उतनी क्वांटिटी के लिए हम सम एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सिक्स सेंटेंस की, देयर इज सफिशियंट वाटर इन द जग। अब सफिशियंट वर्ड वहाँ यूज़ होता है जहाँ पर हम ये कह सकें कि जितना जितनी ज़रूरत है उतना पानी है। सपोज आपको एक ग्लास पानी की ज़रूरत है तो हम कह सकते हैं, और उसमें एक ग्लास जितना पानी है जग में, तो हम कह सकते हैं कि जग में सफिशियंट पानी है कि आपका काम चल जाएगा। इसी तरह से सेवन सेंटेंस, देयर इज एनफ वाटर इन द जग। जग में काफ़ी पानी है, एनफ है मतलब बहुत है। अगर हम पूछें कि जग में पानी है, हाँ हाँ बहुत है, काफ़ी है, ये सबका काम चल जाएगा। इसी तरह से अगर हम फर्स्ट लाइन में लास्ट जग देखें तो पानी काफ़ी ऊपर तक भरा हुआ है, तो हम कह सकते हैं द देयर इज फुल वाटर इन द जग। सो स्टूडेंट्स, आपको एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी समझ में आ गए होंगे। नाउ कम्स एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। अब एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी हमें बताते थे अमाउंट, जिसे हम गिन नहीं सकते। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी ज़्यादातर अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए यूज होते हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते,
और एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर यूज होते हैं ऐसे नाउन्स के लिए जिन्हें हम गिन सकते हैं। ओके, तो ये नाउन के नंबर के बारे में भी बताते हैं और ऑर्डर के बारे में भी बताते हैं। अब नंबर और ऑर्डर में क्या फर्क है? अगर नंबर के बारे में बताने वाले जो हमारे एडजेक्टिव्स हैं उन्हें हम कार्डिनल और एडजेक्टिव्स कहते हैं। कार्डिनल नंबर्स मीन्स 1, 2, 3, 20, 50। सो वन बॉय, व्हेन वी से वन बॉय, तो यहाँ पर वन हमारा एडजेक्टिव है जो बॉय की नंबर के बारे में बता रहा है हमें कितने बॉयज हैं। वन बॉय, टू बॉयज, थ्री बॉयज, तो ये जो सारे हमारे नंबर्स होते हैं, काउंटिंग हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं, ये सभी हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं। इसी तरह से ऑर्डिनल नंबर्स जो हैं हमारे, जैसे हम कहते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, सेवेंथ, लास्ट, वॉट एवर, हम इस तरह से रैंक्स या ऑर्डरिंग करते हैं किसी चीज़ की, तो उसे हम ऑर्डिनल नंबर्स कहते हैं और वो होते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। अब ये तो थे डेफिनेट नंबर 1, 2, जिन्हें हम काउंट करके हमने बता दिया 1, 2 या फर्स्ट और सेकेंड। अगर अगर हमारे पास नाउन का नंबर इनडेफिनेट है, हम उसे काउंट एग्जैक्टली अमाउंट एग्जैक्टली नंबर हम नहीं बता सकते। सपोज भी से देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं। अब वैसे तो हम स्टूडेंट्स को काउंट कर सकते हैं, लेकिन हमने एट रैंडमली एकदम से हमने कह दिया कि क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, बिना गिने हमने कह दिया कि क्लास में इस टाइम बहुत सारे बच्चे हैं, तो बहुत बच्चों के लिए हम मैनी वर्ड यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस आप देखिए, देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास। जैसे हमने एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी में लेस, लिटल या मच वर्ड्स यूज किए थे, इसी तरह से काउंटेबल जो हमारे नाउन्स हैं उनके लिए हम एडजेक्टिव्स यूज करते हैं, मैनी, फ्यू, अ फ्यू, नो, सम, ऑल और सेवरल। तो फ्यू का मतलब हुआ बिल्कुल ना के बराबर, देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास, ना के बराबर स्टूडेंट्स हैं। थर्ड सेंटेंस देखिए, देयर आर अ फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब अ फ्यू और फ्यू में थोड़ा सा डिफरेंस है, फ्यू अ फ्यू से और भी कम हो जाता है। एंड नेक्स्ट इज देयर आर नो स्टूडेंट्स इन द क्लास। अगर क्लास में एक भी स्टूडेंट नहीं है तो हम कहेंगे देयर आर नो स्टूडेंट्स इन द क्लास। नेक्स्ट इज देयर आर सम स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब सम जो वर्ड है वो काउंटेबल के लिए भी यूज हो सकता है और अनकाउंटेबल के लिए भी यूज हो सकता है, तो ये एडजेक्टिव सम का मीन्स हुआ ना ज्यादा ना कम। इसी तरह से ऑल स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, सारे बच्चे जितने भी बच्चे हैं क्लास के वो सभी बच्चे क्लास में हैं। नेक्स्ट इज सेवरल स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द क्लास। अब सेवरल का मतलब क्या है? काफ़ी बच्चे, काउंटेबल हो गया ये, और काफ़ी बच्चे क्लास में बैठे हैं, तो सेवरल वर्ड ये आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से और भी बहुत सारे एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर होते हैं, तो आप इन सभी एडजेक्टिव्स की एक लिस्ट बना सकते हैं और इनके हिंदी मीनिंग भी लिख सकते हैं। नाउ वी कम टू द एक्सरसाइज। अब हम एक्सरसाइज पर पहुंच गए हैं। देखिए, अभी तक हमने एडजेक्टिव्स के टाइप्स किए हैं, लेकिन अब हम कर रहे हैं डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव सपोज पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री हमें एक नाउन के बारे में बताता है कि नाउन कैसा है। कंपैरेटिव डिग्री, जिसे हम सेकंड डिग्री भी कहते हैं, वो हम यूज करते हैं जब हम दो नाउन्स के बीच में कंपैरिजन करते हैं। देन इज सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव हम वहाँ यूज करते हैं जब हमने बहुत सारे नाउन्स में से किसी एक नाउन को हम सुपर कहना चाहते हैं, किसी भी तरह से, नेगेटिवली या पॉजिटिवली। जैसे तो ये जो एक्सरसाइज है, आपको ये एक्सप्लेनेशन कम एक्सरसाइज है, आई होप आपको, आपने ये डिग्रीज पहले भी की होंगी। सपोज गुड अगर पॉजिटिव डिग्री है तो इसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी? स्टूडेंट्स डू यू नो? यस, द कंपैरेटिव डिग्री इज बेटर। एंड व्हाट इज द सुपरलेटिव डिग्री? बेस्ट। तो हमारी क्या डिग्रीज बन गई? गुड, बेटर, बेस्ट। लाइकवाइज सेकेंड अगर हम देखें तो फर्स्ट कॉलम इज ब्लैंक एंड द कंपैरेटिव डिग्री इज टॉलर, सुपरलेटिव डिग्री इज टॉलेस्ट। तो हमारी पॉजिटिव डिग्री क्या होगी? कैन यू थिंक ऑफ दैट?
राइट, यू हैव थॉट राइट, टॉल इज द पॉजिटिव डिग्री, तो टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। इसी तरह से आपको ये पूरी एक्सरसाइज दी गई है, आपने ये सभी एक्सरसाइज के वर्ड्स नोट करने हैं। इसी तरह से आप टेबल बना सकते हैं और जो जो मिसिंग डिग्रीज हैं दैट यू हैव टू फिल। ओके स्टूडेंट्स, 10 एडजेक्टिव्स आर गिवन हेयर एंड यू हैव टू कंप्लीट दिस टेबल विद ऑल द 3 डिग्रीज, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। आप ये वीडियो रिवाइंड करके फिर से देख सकते हैं और अपने टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं। लाइक हेयर आई हैव गिवन द आंसर्स, ऑल द आंसर्स। फर्स्ट इज गुड, बेटर, बेस्ट। देन टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। थर्ड इज लाइट, लाइटर, लाइटेस्ट। फोर्थ इज बैड, वर्स, वर्स्ट। आप देखिए ऊपर वाले तीनों एडजेक्टिव्स में सेकेंड डिग्री में ई आर लगा है और थर्ड डिग्री में ई एस टी लगा है। तो ज़्यादातर एडजेक्टिव्स की जो डिग्रीज हैं वो इस तरह से चेंज होती हैं। लाइकवाइज इन फिफ्थ, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। आप स्पेलिंग्स का भी ध्यान देते रहिए साथ साथ, किस तरह से टी डबल टी हो गया है और इस तरह से आपने स्पेलिंग्स का भी ध्यान रखना है। इन सिक्स्थ, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। अब देखिए हैप्पी में वाई था लेकिन हैप्पियर में वाई को रिप्लेस करके आई लिखा गया है, तो ये स्पेलिंग्स पर भी आपने पूरा ध्यान देना है। नेक्स्ट इज ब्यूटिफुल, मोर ब्यूटिफुल, मोस्ट ब्यूटिफुल। अब देखिए नीचे वाले जो हमारे सारे एडजेक्टिव्स हैं उसमें हमने ई आर और ई एस टी यूज़ नहीं किया है। कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज में हमने क्या किया है, पॉजिटिव डिग्री में अगर ब्यूटिफुल है तो उसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी, मोर ब्यूटिफुल। ऐसे ही सुपरलेटिव डिग्री में हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, मोस्ट ब्यूटिफुल। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लुक एट द एट्थ वन, हैंडसम। हैंडसम पॉजिटिव डिग्री है, इसकी कंपैरेटिव डिग्री के लिए हम क्या लिखेंगे, मोर हैंडसम। ऐसे ही सुपरलेटिव डिग्री क्या बनेगी हैंडसम की, मोस्ट हैंडसम। देन इज कंफर्टेबल, मोर कंफर्टेबल, मोस्ट कंफर्टेबल। देन इम्पॉर्टेंट, मोर इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब इन डिग्रीज को आप किस तरह से सेंटेंसेस में यूज करेंगे, लाइक अगर आप एक पर्सन के लिए कुछ कह रहे हैं तो हम कह सकते हैं सिमरन इज अ गुड गर्ल। यहाँ पर हमने एक गर्ल के बारे में बताया। अगर हमने दो गर्ल्स के बारे में बात करनी है तो हम क्या कहेंगे, सिमरन इज बेटर देन रितु। तो दो गर्ल्स के बीच में हमने कंपैरिजन किया। इसी तरह से अगर हमें लगता है कि सिमरन सबसे अच्छी स्टूडेंट है क्लास की तो हम क्या बोलेंगे, सिमरन इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास, या फिर सिमरन इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। जितनी भी सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स होते हैं उनके आगे द भी लगता है। ओके स्टूडेंट्स, द फोर्थ एडजेक्टिव इज डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, संकेतवाचक विशेषण। ये ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो नाउन्स की तरफ पॉइंट आउट करते हैं। बहुत ही आसान है, सपोज दिस, दैट, दीज, दोज। ये फोर ही एडजेक्टिव्स हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। दिस और दैट सिंगुलर नाउन के लिए यूज किए जाते हैं, दीज और दोज प्लूरल नाउन्स के लिए यूज किए जाते हैं। लाइक इन द फर्स्ट पिक्चर, अगर कोई चीज़ हमारे बिल्कुल नज़दीक है तो हम क्या कहेंगे, दिस गर्ल इज गुड इन मैथमेटिक्स। वो गर्ल, इट मीन्स वो लड़की आपके बिल्कुल सामने है और आप किसी को बता रहे हो दिस गर्ल, यह है लड़की। अब गर्ल नाउन है और दिस हुआ हमारा एडजेक्टिव कि ये लड़की मैथमेटिक्स में अच्छी है। ओके, इसी तरह से नीचे के पिक्चर में देखिए, दैट प्लेयर इज सौरव गांगुली। अब आप ऑडियंस में बैठे हुए हैं और सौरव गांगुली दूर खेल रहा है या टीवी पर है, काफ़ी दूर है और आप किसी को बता रहे हो, तो जो चीज़ हमसे दूर होती है, नाउन जो हमारे से दूर है, उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, दैट, और वो सिंगुलर नाउन भी होना चाहिए। तो दैट प्लेयर में प्लेयर आपका नाउन है और दैट हमारा एडजेक्टिव है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इन द थर्ड पिक्चर यू कैन सी राहुल इज प्लेसिंग दीज बुक्स ऑन द शेल्फ। अब दीज यहाँ पर एडजेक्टिव कैसे है, बुक्स हमारा नाउन है, बुक्स के बारे में बताया जा रहा है कि ये किताबें, राहुल ये किताबें शेल्फ पर रख रहा है। ठीक है, तो दीज यहाँ पर प्लूरल नाउन बुक्स के लिए यूज हुआ है, विच इज एन एडजेक्टिव। अब इसी तरह से लास्ट पिक्चर में देखिए, दोज चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क।
वो बच्चे पार्क में फुटबॉल खेल रहे हैं। चिल्ड्रन प्लूरल नाउन है जिसके लिए, और बच्चे आपसे दूर खेल रहे हैं तो उनके लिए हमने कौन सा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यूज़ किया? दोज़। ओके स्टूडेंट्स, प्रश्नवाचक विशेषण जो नाउन्स के बारे में सवाल पूछते हैं, जैसे और ये कौन से वर्ड्स हैं, बहुत ही आपके जिन वर्ड्स को यूज़ करके आपके टीचर्स रात दिन आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं, व्हाट, व्हाई, विच, हुम, हु, हुज, हाउ मेनी, वेयर, हाउ मच, ठीक है? तो ये सारे वर्ड्स जो हमें हर रोज़ परेशान करते हैं, ये वही वर्ड्स हैं और इन्हें हम कहते हैं इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स, जो हमें सोने नहीं देते हैं, हमसे बार बार सवाल किए जाते हैं। फर्स्ट पिक्चर में देखिए, वॉट इज़ रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पर क्या लिखा है? अब क्या पूछने पर हमें जो जवाब मिलने वाला है वो मिलेगा कुछ चीज़ में, क्या लिखा है? बैक टू स्कूल, तो क्या शब्द लिखे हैं, तो क्या वर्ड्स लिखे हैं? वर्ड्स हुए नाउन, तो नाउन के बारे में जो सवाल पूछने वाले वर्ड्स होते हैं वो हमारे होते हैं इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स। इसी तरह से सेकेंड पिक्चर में देखिए, हुज नोटबुक इज़ कम्प्लीट, किसकी नोटबुक कम्प्लीट है? किसी की भी नहीं है। तो हुज नोटबुक, यहाँ आप देख रहे हैं नोटबुक एक नाउन है, तो नोटबुक के बारे में पूछा जा रहा है, किसकी नोटबुक, हुज मतलब किसकी, राइट? तो हुज हमारा क्या हुआ, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट इज हाउ मैनी गेस्ट्स आर वेटिंग इन द रिसेप्शन, रिसेप्शन होटल की रिसेप्शन एरिया जहाँ पर जाकर हम अपना रूम वगैरह बुक कराते हैं, वहाँ उसे रिसेप्शन एरिया कहते हैं, तो कितने गेस्ट्स रिसेप्शन में वेट कर रहे हैं? तो यहाँ पर भी हमें गेस्ट की क्वांटिटी के बारे में, नंबर के बारे में पूछने के लिए जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं वो है हाउ मैनी। तो यहाँ पर भी ये नाउन को पूछने वाले वर्ड्स हैं, इसीलिए हाउ मैनी है हमारा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स। नेक्स्ट पिक्चर में आप देखिए, विच गेम इज दिस, अब ये जो विच वर्ड है ये गेम कौन सी है, विच वर्ड गेम के बारे में पूछ रहा है, फिर से नाउन के बारे में पूछ रहा है ये वर्ड, तो इसीलिए विच वर्ड जो है वो एक इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। आप देख सकते हैं कौन सी गेम है, ये आप सभी ने खेली होगी, ठीक है? तो इसका इंग्लिश में इस गेम को क्या कहते हैं, कोई बता सकता है? चलिए ढूंढिए, आपके लिए ये एक काम और है कि आपको इस गेम का नाम भी ढूंढना है इंग्लिश में, हिंदी में सबको पता है स्टापू है ये, इंग्लिश में क्या कहते हैं इस गेम को, बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है, तो देखते हैं क्या कहते हैं इसे, लेट्स फाइंड आउट। आगे आने वाले स्लाइड्स में आपको इस गेम के बारे में, इस गेम के नाम के बारे में पता चलेगा। नाउ वी हैव रीच्ड द लास्ट टाइप ऑफ एडजेक्टिव, दैट इज पोजेसिव एडजेक्टिव्स। पोजेसिव एडजेक्टिव्स हमें पोजेशन के बारे में बताते हैं कि ये चीज़ मेरी है, तुम्हारी है, किसकी है, हमारी है। तो ये जो हमारे वर्ड्स हैं लाइक माय, मेरा, योर, तुम्हारा, हिज, उसका, हर, उस लड़की का, इट्स, उसका, आर, हमारा, देयर, उनका, ये जो सारे वर्ड्स हैं ये सभी क्या हैं, एडजेक्टिव्स। लेकिन आपने पढ़ा है कि ये तो प्रोनाउंस हैं, जब ये वर्ड्स नाउन से पहले लगते हैं, सपोज माई फर्स्ट सेंटेंस में आप देखिए, माई सिस्टर इज़ वेरी गुड एट स्टडीज़, मेरी बहन पढ़ाई में बहुत अच्छी है, तो जब ये वर्ड्स नाउन से पहले लगते हैं तब ये वर्ड्स पोजेसिव एडजेक्टिव्स बन जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सिमिलरली हिज फादर स्कोल्डेड हिम, उसके पिता ने उसे डांटा। अब यहाँ पर हिज फादर, हिज वर्ड पोजेसिव एडजेक्टिव है और हिम लास्ट में आप देखिए वो प्रोनाउन है, ओके? वो हमारा क्या है, प्रोनाउन वर्ड है, और हिज फादर में हिज जो है हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव है क्योंकि उसके साथ एक नाउन लगा है। सिमिलरली चिल्ड्रन आर गोइंग टू देयर स्कूल, बच्चे अपने स्कूल में जा रहे हैं, किसके स्कूल में जा रहे हैं, अपने स्कूल में जा रहे हैं, तो यहाँ पर फिर से हमारा नाउन आ गया स्कूल, तो इसीलिए देयर वर्ड हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव है जो हमें बताता है किसका स्कूल, उनका स्कूल, मेरे पिता, उसके पिता, ठीक है? तो इसी तरह से ये जो वर्ड्स हैं हमारे ये सारे पोजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं। लास्ट सेंटेंस में देखिए, आर स्कूल टीम वन द मैच, हमारे स्कूल की टीम ने मैच जीता।
अब यहाँ पर किसके स्कूल की टीम ने जीता? हमारे स्कूल की। तो स्कूल टीम यहाँ पर नाउन हुआ और आर वर्ड जो है हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव हुआ। आई होप सभी तरह के एडजेक्टिव्स आपको क्लियर हो गए होंगे। नाउ इट्स टाइम फॉर सम एक्सरसाइजेस। व्हाट यू हैव टू डू, आपको ऑप्शंस दिए गए हैं एडजेक्टिव्स और वर्ड्स के। आपको ये एडजेक्टिव सेंटेंसेस में यूज़ करने हैं। किस तरह से यूज़ करने हैं देखिए, ज़रा देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस में देखिए, सौरव गांगुली इज़ अ डैश प्लेयर। सौरव गांगुली कैसा प्लेयर है? ठीक है, तो सौरव गांगुली की क्वालिटी के बारे में बताना है आपको। ब्रिलियंट या ब्रिलियंटली, देखिए क्या आएगा। डैश चिल्ड्रन आर प्लेइंग हॉप स्कॉच। हॉप स्कॉच याद आया आपको कुछ? अभी मैंने आपसे पूछा था इस गेम को क्या कहते हैं, तो इस गेम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हॉप स्कॉच। अब यहाँ पर देखिए, दिस और दीज, दिस आएगा या दीज आएगा? आपको पता होना चाहिए दिस सिंगुलर नाउन के लिए यूज़ होता है और दीज प्लूरल नाउन के लिए यूज़ होता है। तो इसी से आपको पता चल जाएगा यहाँ पर कौन सा एडजेक्टिव यूज़ होगा। थर्ड सेंटेंस देखिए, द फादर वॉज वेरी एंग्री विद डैश सन। पिता अपने बेटे से बहुत गुस्सा थे। तो यहाँ पर हिज आएगा या हिम आएगा? कौन कौन से वर्ड्स अभी हमने सीखे थे पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं, उन्हीं को याद करते हुए आपने इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। चलिए, अब हमारे पास आंसर्स भी आ गए हैं। फर्स्ट सेंटेंस में क्या आएगा? सौरव गांगुली इज अ ब्रिलियंट प्लेयर। बहुत ही शानदार खिलाड़ी है सौरव गांगुली, एक बहुत ही शानदार खिलाड़ी है। तो ब्रिलियंट वर्ड इज एन एडजेक्टिव। इसी तरह से चिल्ड्रन प्लूरल नाउन है, तो हम वर्ड यूज करेंगे दीज। दीज चिल्ड्रन आर प्लेइंग हॉप स्कॉच। ये बच्चे हॉप स्कॉच यानी स्टापू खेल रहे हैं। द नेक्स्ट इज, द फादर वॉज वेरी एंग्री विद हिज सन। पिता अपने बेटे से बहुत गुस्सा थे। हिज सन। नेक्स्ट एक्सरसाइज, इसी एक्सरसाइज के बाकी तीन सेंटेंसेस हैं। नंबर फोर, डैश स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। अभी क्वेश्चन मार्क लगा है, तो मीन्स आपको इंटरोगेटिव एडजेक्टिव यहाँ पर फिल करना है। स्टूडेंट्स के बारे में पूछा जा रहा है, क्लास में कितने बच्चे हैं। अब आपको पता है जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके लिए हम मच यूज़ करते हैं या मैनी यूज़ करते हैं, सोचिए। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस में आइए, देयर आर डैश चिल्ड्रन इन द बस। फिर से एडजेक्टिव ऑफ नंबर यहाँ पर हमें फिल करना पड़ेगा, क्योंकि चिल्ड्रन काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, मच या मैनी। सिक्स सेंटेंस देखिए, डैश ऑफ स्नो इज फॉलिंग टूडे। अब यहाँ पर आप ये देखिए, आज बहुत ज़्यादा स्नो बर्फ गिर रही है। तो यहाँ पर आप अ लॉट आएगा या अ लिटल। अ लॉट मतलब बहुत सारी, अ लिटल मतलब बहुत थोड़ी। अब दोनों ही जो एडजेक्टिव्स हैं ये एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी हैं, लेकिन आपको ये देखना है कि अलॉट मीन्स ज़्यादा, अ लिटल मीन्स कम। तो बर्फबारी ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है, इसके अकॉर्डिंगली आपने एडजेक्टिव चूज़ करना है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप हिंट्स के थ्रू आपको आंसर्स पता चल गए होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो फिर भी यहाँ पर आपके पास आंसर की स्लाइड आ चुकी है। फोर्थ सेंटेंस में हमारा आएगा हाउ मैनी। फिफ्थ सेंटेंस में हमारा आएगा देयर आर मैनी चिल्ड्रन इन द बस। इसी तरह से सिक्स सेंटेंस में भी आएगा अलॉट ऑफ स्नो इज़ फॉलिंग टुडे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ गिर रही है, तो हमने एडजेक्टिव यूज़ किया है अ लॉट। ओके, नाउ लास्ट एक्सरसाइज। बच्चों ज़्यादा काम नहीं कराएंगे आपसे, अब हम थर्ड एक्सरसाइज पर पहुँच गए हैं। आई होप अभी तक का आपको लेसन इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो अब हम हमारी लास्ट एक्सरसाइज पर पहुँच गए हैं। अब कुछ एडजेक्टिव्स आपको फर्स्ट कॉलम में दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही आसान काम है, आपको इनके टाइप्स बताने हैं। आपको पता है हमारे, हमने सिक्स टाइप्स आज सीखे हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स, पोजेसिव एडजेक्टिव्स एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। तो कौन सा एडजेक्टिव कौन सा टाइप है ये आपको इसमें लिखना है। बैड फर्स्ट है हमारा एडजेक्टिव, बैड, लिटल, वाई, दैट, माई, फ्यू, हु, हैप्पी, मच, सेवरल, दोज एंड योर। जल्दी से सोचिए, लिस्ट बनाइए और एडजेक्टिव्स के टाइप्स लिखिए फटाफट से। आप अपने
फ्रेंड्स की, अपनी क्लासमेट्स की, अपने ब्रदर सिस्टर की हेल्प भी ले सकते हैं। और नहीं तो आपके पास यहाँ आंसर्स आ गए हैं। तो देखिए, फर्स्ट एडजेक्टिव है बैड, बुरा, जो हमें ये बताता है क्वालिटी के बारे में कि नाउन कैसा, बैड बॉय, बैड गर्ल। तो ये हुआ हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। सेकेंड इज लिटल, थोड़ा सा, जो अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज़ करते हैं हम, इसीलिए हम यहाँ पर लिटल वाटर, लिटल मिल्क, राइट, लिटल राइस। तो ये एडजेक्टिव हुआ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नाउ वाई, वाई तो आपको समझ में आ ही गया होगा, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसीलिए ये हुआ इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। देन इज दैट, दैट मतलब वह, जो चीज़ हमसे दूर है। दैट जो है हमारा सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के साथ यूज़ होता है, जो इशारा करता है, दैट बॉय, दैट गर्ल, दैट ट्री, दैट हाउस। तो ये हुआ हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतवाचक विशेषण। इसी तरह से माई, माई सिस्टर, माई माई बुक, माई पेन, ये जो हमें पोजेशन के बारे में बताता है कि ये चीज़ मेरी है, किसकी है, उसकी है, हमारी है, तुम्हारी है। तो ये हुआ पोजेसिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट इज फ्यू, फ्यू मीन्स थोड़े से, जो फ्यू वर्ड यूज़ होता है वो भी काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होता है, इसीलिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर हुआ, संख्या के बारे में हमें बताता है। देन इज हु, तो बहुत ही क्लियर है, आपको पता है क्वेश्चन वर्ड है, और ये है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट इज हैप्पी, खुश, ही इज़ अ हैप्पी बॉय। हैप्पी बॉय जब हम कहेंगे तो वो हुआ, वो कैसा है, उसकी फीलिंग के बारे में हमें बता रहा है, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ऐसे ही नाइन्थ देखिए, मच, काफ़ी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है। देन इज सेवरल, सेवरल वर्ड भी हमारा मैनी से थोड़ा सा कम होता है, सेवरल, तो ये भी नंबर के बारे में बताता है, काउंटेबल नाउन के बारे में हमें बताता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हुआ। देन इज दोज, अब दोज इशारा करते हैं प्लूरल नाउन्स की तरफ, दोज ट्रीज आर वेरी ओल्ड, दोज हाउसेस, जो चीज़ हमसे दूर है और प्लूरल भी है, उन नाउन्स के लिए हम यूज़ करते हैं दोज, और ये होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। इसी तरह से योर, तुम्हारा, योर हाउस, योर बुक, योर पेन, राइट, तो ये हमारा है जो हमें किसी चीज़ के होने के बारे में बताता है कि ये चीज़ किसकी है, इस पर पोजेशन किसका है। तो ये हुआ हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव्स। तो आई होप आपको एडजेक्टिव्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे, एडजेक्टिव्स के बारे में, एडजेक्टिव्स के टाइप्स के बारे में, एडजेक्टिव्स की डिग्रीज के बारे में, और किस तरह से हमें अलग अलग एडजेक्टिव्स सेंटेंसेस में यूज़ करने हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप इट्स क्लियर टू यू, सो कीप स्टडिंग, बाय बाय।